बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 21। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 20 रूल्स हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है वो स्टूडेंट्स जो वाकई ही अपनी इंग्लिश ग्रामर को ठीक करना चाहते हैं वो इन रूल्स वाली क्लासेस ले रहे होंगे। सो रूल नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम लोग रूल नंबर 21 में डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप लोग वर्ड इनफ का यूज़ कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, जो इनफ है ये एज एन एडवर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव दोनों तरह से वर्क करता है। अब एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, बहुत से रूल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। एडवर्ब तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं एक सेंटेंस में, आपके वर्ब को, आपके एडजेक्टिव को और आपके एडवर्ब को, ठीक है। अब जो एडजेक्टिव होता है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर एक सेंटेंस में जो इनफ है वो एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, क्या मैंने कहा एज एन एडजेक्टिव अगर यूज़ होगा तो उस केस में इनफ के बाद क्या लगेगा, नाउन लगेगा, ठीक है। इनफ के बाद क्या लगेगा, नाउन। अगर किसी सेंटेंस में जो इनफ है वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव, तो उस केस में इनफ के बाद क्या लगेगा, नाउन लगेगा। और नाउन लगना ज़रूरी होगा, क्यों, क्योंकि अगर नाउन होगा तो ही जो इनफ होगा वो नाउन को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। इनफ अगर एडवर्ब के तौर पे वर्क कर रहा है तो वो क्या करेगा जी, वो एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब के हमेशा बाद में लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि अगर एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है तो उस केस में पहले लगता है नाउन से पहले, ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया। चलें अब हम लोग क्या करते हैं जी, डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों के सामने है कि जो एडजेक्टिव होता है ना वो हमेशा एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आपके सामने पहले एक एग्जांपल आ गई, आई हैव इनफ टाइम टू डू दिस वर्क, ठीक है, मेरे पास काफ़ी वक्त है ये काम करने के लिए। अब अगर आप लोग देखो इनफ है, ठीक है, इनफ के बाद क्या यूज़ हुआ है, टाइम है, ठीक है, टाइम जो है यहाँ पर क्या नाउन है। अगर इनफ के बाद एक नाउन आया है तो उसका मतलब ये है कि जो इनफ है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है इस सेंटेंस में, क्लियर। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल नंबर टू हमारे पास आ जाएगा। एग्जांपल नंबर टू में हम लोग देखते हैं कि अगर ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, मतलब वो काफ़ी मजबूत है कि वो आसानी से ये बॉक्स उठा सकता है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो इनफ के बाद टू लगे, कोई नाउन आया, नहीं आया जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आपका इनफ है ये एज एन एडजेक्टिव वर्क नहीं कर रहा, ये एडवर्ब के तौर पे वर्क कर रहा है, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या आया है, स्ट्रॉन्ग आया है और स्ट्रॉन्ग की जी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनफ है वो कैसे काम कर रहा है, वो एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, ही इज़ फास्टर इनफ टू डिफीट यू। इस केस में अगर मैं देखूं तो इनफ के बाद कोई नाउन आया, नहीं आया, तो यहाँ पर फास्टर आया और फास्टर क्या है जी, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये जो फास्टर आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका इनफ है वो कैसे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है एज एन एडवर्ब के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखनी है, अब यहाँ पर फास्ट क्यों आएगा, ये क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ अगर आप सेंटेंस दोबारा पढ़ें, ही इज़ फास्टर इनफ टू डिफीट यू, क्या कंपैरिजन हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा तो यहाँ पे फास्टर क्यों लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे सिंपल फास्ट लिखो, पॉजिटिव डिग्री लिखो, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की मिस्टेक्स भी बहुत स्टूडेंट्स करते हैं रूल्स याद होने के बावजूद, ठीक है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, ही इज़ ब्रेवेस्ट इनफ टू बी सिलेक्टेड फॉर वॉर, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं देखूँ वो काफ़ी बहादुर है इस वॉर में सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पर मैं देखूँ तो इनफ यूज़ हुआ बट इसके बाद कोई नाउन यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर कर दी गई है कि ये जो इनफ यूज़ हुआ है वो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम नहीं कर रहा बल्कि एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ब्रेवेस्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल आपकी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर सबके साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा, ठीक है, एक सिंपल बात हो रही है कि भाई वो ब्रेव था इसलिए उसको वॉर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया।
तो होपफुली ये कंप्लीट हो चुके हैं। रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 में कुछ ऐसे वर्ड्स आप लोगों के सामने मैंने लिखे हुए हैं कि जिनके बाद हम लोग नोट या फिर नेवर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, deny, forbid, unless, until, lest, hardly, scarcely, rarely, seldom, ये वो वर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, इसलिए अलग से इनके साथ नोट या नेवर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अब ज़रा हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने मैंने लिखा हुआ एग्ज़िट, ठीक है। अब एग्ज़िट के साथ आउट लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर डिनाई के साथ नोट लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह रिटर्न, रिटर्न के बाद अगर मैं रिटर्न बैक लगाऊंगी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न ऑलरेडी जो मीनिंग है वो बैक की तरह का कन्वे कर रहा है, तो उसके साथ बैक नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरह अनलेस, फॉरबिड, अनटिल वगैरह के बाद नोट या नेवर नहीं लगेगा। अब इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। आई फॉरबिड यू टू नॉट मैरी हिम, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इससे शादी ना करो, ठीक है। इसमें ऑलरेडी जो फॉरबिड होता है वो कह रहा होता है मना किया था, मना करना के मीनिंग में आता है। तो इसके बाद नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम नोट को हटाकर सेंटेंस पढ़ें तो वो किस तरह होगा, आई फॉरबिड यू टू मैरी हिम, ठीक है, मतलब मैंने तुम्हें मना किया था उससे शादी करने से, बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, आई कुड नॉट हार्डली हियर हर, ठीक है। अब इस केस में देखें तो इस केस में भी नोट नहीं लगेगा, सिंपल आई कुड हार्डली हियर हर, ठीक है, मैं मुश्किल से इसको सुन पा रही थी। शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट स्टोलन 20 rupees, ठीक है, उसने इनकार कर दिया कि उसने 20 rupees नहीं चुराए हैं। अब इस केस में नोट हटाएंगे तो किस तरह होगा, शी डिनाइड दैट शी हैड स्टोलन 20 rupees, उसने इनकार कर दिया 20 rupees चोरी करने से, ठीक है, तो इसमें भी नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, अनलेस ही डोंट, नोट लगा हुआ है, कॉल मी, आई विल नोट गो देयर, ठीक है, जब तक वो मुझे कॉल नहीं करेगी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। अब नोट को हटा के बात करते हैं, अनलेस ही कॉल मी, ठीक है, आई विल नॉट गो देयर, जब तक वो मुझे कॉल नहीं करेगी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, तो यहाँ पर नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अब नोट नहीं लगेगा तो उसके बाद डू भी नहीं लगेगा, ठीक। रूल नंबर 23 में बेसिकली आर्टिकल की बात होगी। रूल नंबर 23 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल कहाँ कहाँ लगाना ज़रूरी होता है, और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन हम आर्टिकल घुसा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ टू नाउन्स जॉइंड विद एंड, अगर दो नाउन के दरमियान में एंड लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब दो नाउन को एंड से ज्वाइन किया जा रहा है, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, ठीक है, और वो दोनों नाउन जो से हैं वो किसी एक पर्सन या किसी एक चीज़ के बारे में ही बता रहे हैं, यूज़ आर्टिकल ओनली विद द फॉर्मर वन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आर्टिकल होगा वो हमने पहले वाले नाउन के साथ यूज़ करना है, दूसरे वाले नाउन के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एग्जाम्पल से सही समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर अली वॉज अ ग्रेट एंड अ टैलेंटेड साइंटिस्ट। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो दो नाउन यूज़ हुए हैं, कौन कौन से, ग्रेट एंड टैलेंटेड, ठीक है, ग्रेट और टैलेंटेड को ज्वाइन कौन कर रहा है, एंड ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब हमने आर्टिकल कहाँ का यूज़ किया, आ ग्रेट, आर टैलेंटेड। अब रूल क्या है कि अगर दो नाउन यूज़ कर रहे हैं तो उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है एंड, ठीक है, तो आर्टिकल जोन से है वो अगर आप सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ लगा देंगे और दूसरे वाले नाउन के साथ अगर नहीं लगाएंगे आर्टिकल तो आपका काम चल जाएगा। अब ज़रा हम क्या करेंगे, हम इस वाले आर्टिकल को यहाँ से निकाल देते हैं, ये जो आ लगा हुआ है इसको यहाँ से निकाल दो। अब दोबारा हम सेंटेंस पढ़ते हैं, डॉक्टर अली वॉज अ ग्रेट एंड टैलेंटेड साइंटिस्ट। अगेन यहाँ पर आ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट किसके बारे में कहा जा रहा है, डॉक्टर अली के बारे में, टैलेंटेड किसके बारे में कहा जा रहा है, डॉक्टर अली के बारे में, तो यहाँ पर आप एक ही पर्सन की बात कर रहे हो तो फिर आपको इतने ज़्यादा यहाँ पे आर्टिकल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
नंबर टू, मोहसिन इज द रिचेस्ट एंड द नोबलेस्ट पर्सन. ठीक है, अब दी रिचेस्ट जोन से है ये किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहसिन के बारे में. दी नोबलिस्ट किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहसिन के बारे में, मतलब एक ही पर्सन के बारे में कहा जा रहा है. तो यहाँ पे आपको बार बार दी दी का यूज नहीं करना. आप रिचेस्ट जो पहले वाले है ठीक है उसके साथ सिर्फ दी यूज करें, उसके बाद इस दी दी को यहाँ से हटा दें तो सेंटेंस कैसे बनेगा, मोहसिन इज द रिचेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन. क्लियर. नेक्स्ट, अहमद वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल लीडर्स. ठीक है, मतलब तमाम लीडर्स में से जो अहमद है वो सबसे ज्यादा क्या है, नोबलेस्ट और क्या जो वाइजर है. अब इस सेंटेंस में जरा गलतियां देख लें. यहाँ पे एक रोल एक यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रोल और समझा देती हूँ. जो डिग्रीज थी ना हमारी, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अहमद वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स. अब ये एग्जाम्पल समझने से पहले एक रूल यहाँ पर आपको और बताती हूँ. हमारी दो डिग्रीज हैं, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ये दो डिग्रीज कभी भी एक सेंटेंस में इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, ये रूल है. कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एक सेंटेंस में इकट्ठी नहीं आ सकती, ये रूल है. अब इस सेंटेंस में इकट्ठी आई हुई है, जैसे कि अहमद वॉज नोबलेस्ट. नोबलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है नोबल की. ठीक है, फिर वाइजर, वाइजर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सेंटेंस के हिसाब से या तो दोनों को कंपेरेटिव कर दोगे या फिर दोनों को सुपरलेटिव कर देंगे. ठीक है, इस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज आएंगी. अहमद वॉज नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर. जब सबके साथ कंपेयर किया जा रहा है दैट्स वाई यहाँ पर नोबलेस्ट आएगा और यहाँ पर वाइजेस्ट आएगा. ठीक है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, वाइजर यहाँ पर यूज नहीं होगी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नोबलेस्ट जो पहले वाली डिग्री है उससे पहले आपको दी लगाना होगा. क्यों? क्योंकि ये एक रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा, दी लगेगा. अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये भी तो वाइजेस्ट भी तो सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले भी दी लगाए थे. नहीं, आपने दूसरे रूल को भी तो फॉलो करना है ना, कि अगर पहले वाले के साथ दी लगा है तो दूसरे वाले के साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो एक ही पर्सन के साथ, अगर वो एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पर अहमद के बारे में बात की जा रही है, अहमद ही नोबलेस्ट है, अहमद ही वाइजेस्ट है, तो दोनों के साथ दी लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ही वॉज टॉलेस्ट एंड फैटेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल. अब इसमें क्या किया जा रहा है, पूरे स्कूल में से वो टॉलेस्ट और फैटेस्ट है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री आ गई. ठीक है, और पहले के साथ क्या लग जाएगा, दी लग जाएगा. क्लियर, तो ये हमारा रोल नंबर 23 क्लियर हो गया. हम डिस्कस करते हैं रोल नंबर 24. रोल नंबर 24 में कुछ वर्ड्स लिखे हुए आपके सामने, वो ऐसे वर्ड्स हैं हम उन्हें जब भी सेंटेंस में लिखेंगे उसके फौरन बाद हमने टू का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, यूज टू आफ्टर दीज वर्ड्स. अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर. ठीक है, ये वर्ड्स ऐसे हैं इनको आपने याद करना है. ठीक है, जब भी हम किस सेंटेंस में यूज करेंगे उसके बाद टू आएगा ही. फॉर एग्जाम्पल, अली इज सीनियर देन अलीना. ठीक है, अगर ये सेंटेंस है अली इज सीनियर देन अलीना, ये गलत है. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ वर्ड यूज किया सीनियर का, और सीनियर के बाद आप कभी भी देन का यूज नहीं करोगे बल्कि हमेशा टू का यूज करोगे. तो ये सेंटेंस कैसे होगा, अली इज सीनियर टू अलीना. क्लियर. देन फॉर बेबीज ब्रेस्ट फीडिंग इज सुपीरियर देन बॉटल फीडिंग. ठीक है, बच्चों के लिए जो माँ का दूध होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है बॉटल फीडिंग की निस्बत. तो इस केस में भी आपने जो वर्ड यूज़ किया वो सुपीरियर यूज़ किया है, तो उसके बाद देन का यूज़ नहीं करना, टू का यूज़ करना है. क्लियर. अच्छा, अब देखिए कुछ रूल्स ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, बाकी आप लोगों को याद करना पड़ेगा. जैसे कि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन ये वर्ड्स सारे के सारे आपने याद करने हैं, इनमें कोई भी
तुक्का ये वो नहीं लग सकता क्योंकि ये आपने याद ही करने हैं, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट रूल नंबर 20। रूल नंबर 25 क्या है? कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने लिखती हूँ, जैसे कि मे, ठीक है। अब जिस सेंटेंस में आप मे लिखते हो उस सेंटेंस में आप पॉसिबल नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि मे का भी वही मीनिंग है और पॉसिबल का भी वही मीनिंग है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में आपने कैन लिखा है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में आप अबल नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि कैन और अबल सेम मीनिंग कन्वे करते, तो फिर दो दो दफ़ा लिखने की क्या ज़रूरत है। क्लियर? अब आते हैं अपने रूल पर। रूल कहता है, रूल नंबर 25 ये कह रहा है, अवॉइड यूजिंग बैक विद दी वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके साथ आप बैक का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ड्स ऑलरेडी बैक के मीनिंग्स में आते हैं, तो अलग से बैक लिखने की ज़रूरत क्या है। तो वो वर्ड्स कौन से हैं जी? रिसीड। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ गया है और वहाँ पे आपने बैक भी डाल दिया है, तो बैक का मीनिंग भी होता है पीछे हटना, रिसीड का मतलब भी क्या होता है? पीछे हटना। तो वो क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह रिटर्न, रिटर्न भी होता है वापस मुड़ना, वापस होना, तो बैक भी इसी में आता है, ठीक है, थोड़ा बैक हो जाए, ठीक है, वो भी इसी सेंस में आता है। रिट्रीट, विड्रॉ, रिकॉल, रिम्बर्स, रिम्बर्स का मतलब होता है रीपे, मुआवजा देना, ठीक है। तो ये भी जैसे कि मेरी मतलब कि पेंसिल वापस करो, ठीक है, तो ये सारे जो मीनिंग है ये आपको बैक की मीनिंग में कन्वे करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे अलग से बैक इनके साथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। अब जरा सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। रूल नंबर सॉरी सेंटेंस नंबर 1, दे वर फोर्स्ड टू रिटर्न बैक टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी ओरिजिन कंट्री में वापस आ जाए। अब देखो, दे वर फोर्स टू रिटर्न बैक, गलत। रिटर्न का मतलब ऑलरेडी होता है वापस आ जाना, तो बैक लगाने की क्या जरूरत है? बैक नहीं आएगा। अनदर सेंटेंस, ही विल बी रिम्बर्स्ड बैक फॉर योर एक्सपेंसेस। अगेन रिम्बर्स्ड बैक की मीनिंग में आते हैं, बैक लगाने की क्या जरूरत है। फिर आ जाएगा, द आर्मी हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू रीट्रीट बैक, ठीक है, री दोबारा से, तो फिर इसमें बैक ऐड करने की क्या जरूरत है? नहीं ऐड करना। शी कुड नॉट रिकॉल बैक हिज नेम, ठीक है। अब इस केस में भी बैक की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रिकॉल का वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये आपका था जो रूल नंबर 25। आज के रूल्स बहुत ईजी हैं, इसमें ज़्यादा आपको स्ट्रगल ये करनी पड़ेगी कि आपको याद करना पड़ेगा, और एक दफ़ा याद कर लोगे ना चीज़ों को फिर भूलेंगे नहीं। अगर आप ये कहो ना कि नहीं रूल्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं, याद हम बाद में कर लेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, रूल्स भी अंडरस्टैंड आप ना करें ना। रूल नंबर 26। अब रूल नंबर 26 में दो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, प्रेफर एंड प्रेफरेबल। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं, इनको आप जहाँ भी यूज़ करेंगे ना, इन दोनों के बाद आपने हमेशा टू का यूज़ करना है, ठीक है। इन दोनों को जहाँ भी यूज़ करेंगे, जहाँ भी यूज़ करेंगे सेंटेंस में, इनके बाद टू का यूज़ करना है, प्रेफर एंड प्रेफरेबल, ठीक है। इस रूल में एक और चीज़ बताई हुई है कि ये जो वर्ड प्रेफरेबल है ना, ये बेसिकली आपकी कंपेरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो इससे पहले डोंट यूज़ मोर बिफोर दिस, इससे पहले आपको मोर की ज़रूरत नहीं होगी, मोर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपेरेटिव डिग्री है। बहुत सी जो पॉजिटिव डिग्री होती है उनको कंपेरेटिव करने के लिए हम लोग उससे पहले मोर लिख देते हैं, तो आपको क्या करना है कि प्रेफरेबल से पहले मोर नहीं लगाना, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है, फिर अलग से मोर लगा के उसको मज़ीद कंपेरेटिव डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, टी इज़ प्रेफरेबल देन कॉफ़ी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि प्रेफरेबल के बाद आपने टू यूज़ करना है, देन का यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, अगेन इस सेंटेंस में प्रेफर यूज़ हुआ है, तो इस सेंटेंस में आपने देन का यूज़ नहीं करना, टू का यूज़ करना है, ठीक है। कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल देन टी, ठीक है। अब इसमें दो मिस्टेक्स हैं, एक तो यहाँ पे देन डाल दिए, ठीक है, टू प्रेफरेबल के बाद हमेशा
टू आएगा, ठीक है। दूसरी मिस्टेक ये कर दी है कि प्रेफरेबल ऑलरेडी कंपेटिव डिग्री है, तो इससे पहले ये मोर क्यों लगाया हुआ है, तो मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये था जी आपका रूल नंबर 26। रूल नंबर 27 की बात करते हैं। रूल नंबर 27 में आपने मोर और मोस्ट का यूज़ करना सीखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनसे पहले कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मोर और मोस्ट के मीनिंग्स कन्वे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, चीफ, एंटायर, यूनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे आप पढ़ लीजिएगा। अब हम ज़रा सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर वन, ही ब्रिंग्स अ मोर यूनिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। यूनिक ऑलरेडी आपको एक बहुत ही कंप्लीट सेंस कन्वे करेगा, उसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं है या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मोर को हटा के पढ़ते हैं, ही ब्रिंग्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द रूम वॉज मोर रिक्टेंगुलर एंड टू हाई फॉर इट्स विड्थ। रिक्टेंगुलर अगर लग गया तो इससे पहले मोर लगाने की जरूरत नहीं है, रिक्टेंगुलर खुद बता रहे कि भाई वो रिक्टेंगुलर है, तो मोर ज़्यादा रिक्टेंगुलर करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देन है, ही डिमांड्स मोर एब्सल्यूट ओबीडियंस फ्रॉम हिज मैन, ठीक है। अब एब्सल्यूट ऑलरेडी मुकम्मल आपको मीनिंग दे रहा है, इसमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं कर देना। कुछ वर्ड्स याद करें, ये सारे वर्ड्स याद करें, मैक्सिमम 10 मिनट में याद हो जाएंगे, उसके बाद आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि भाई इनसे पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाना। नेक्स्ट रूल नंबर 28, रूल नंबर 28 कहता है डोंट यूज इफ विद दीज वर्ड्स। दो वर्ड्स ऐसे हैं, सॉरी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके रूल नंबर 28, डोंट यूज इफ विद दीज वर्ड्स। कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उनके साथ इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर, ठीक है। सपोज का मतलब क्या होता है? अगर, ठीक है। फर्ज करें तो सपोज, इन केस, वर्ड दैट, शुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी आपको कंडीशन के मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट कंडीशंस कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्ज करो अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ये कंडीशंस हैं। तो इन केस में अलग से आपको इफ लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ वी हैड नॉट ब्रॉट आर बुक्स, फर्ज करो अगर हम अपनी किताबें ना खरीदते। सपोज जब लग गया तो हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह इन केस इफ वी हैव नॉट फिगर्ड इट आउट लेट मी एक्सप्लेन, अगेन इन केस लग गया तो अलग से इफ लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज के जो रूल्स हैं वो इतने ही रन देते हैं। नेक्स्ट अगले जो रूल्स होंगे उनमें इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे कि हु कहाँ पर यूज़ करते हैं, होम कहाँ पर यूज़ करते हैं, विच कहाँ पर यूज़ करते हैं, और मज़ीद बहुत से अच्छे अच्छे मज़े मज़े के रूल्स हैं। ये बहुत बेसिक्स आप लोग से डिस्कस कर रही हूँ, और आहिस्ता 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 जो रूल्स होंगे आपके वो एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।